एग्ज़ाम्स ये जो वर्ड है इसे सुन के पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो है ढेर सारी बुक्स और ढेर सारा सिलेबस जिसे बच्चे याद कर रहे होते हैं और अगले दिन जाके एग्ज़ाम के पेपर में लिखाते हैं। लेकिन ये जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया इसे हम एक वर्ड में कहते हैं रट्टा लगाना, कि भाई रट लो अगले दिन जो है पेपर में बस लिखाना, रट लो कुछ भी करके लिख लो, रट लो चाहे वो समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये जो रटना है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के लिए और अब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पूरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहती है थ्रू ओपन बुक एग्जामिनेशन। इसीलिए जो CBSE है यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उन्होंने प्रपोज किया है कि वो एक पायलट स्टडी करेंगे ताकि वो ये देख सकें कि इंडिया के अंदर जो है ये जो ओपन बुक एग्ज़ाम का सिस्टम है वो इसे लागू कर सकते हैं या नहीं फॉर क्लासेस 9 to 12। तो अब क्या होगा, कुछ सेलेक्टेड स्कूल्स के अंदर जो है एक पायलट स्टडी कराई जाएगी बिटवीन नवंबर टू दिसंबर ताकि ये चेक किया जा सके कि कैसे हम इस ओपन बुक एग्जामिनेशन के कॉन्सेप्ट को जो है उसे इंट्रोड्यूस करें। तो अगर हम पायलट स्टडी की बात करें तो 9th और 10th के क्लासेस के लिए क्या होगा, इंग्लिश मैथ्स और साइंस को ओपन बुक एग्ज़ाम होगा और अगर क्लासेस 11th और 12th की बात करें तो उनके लिए इंग्लिश मैथ्स और बायोलॉजी का ओपन एग्ज़ाम होगा। तो ये जो पूरा प्रपोजल CBSE ने दिया है इट इज़ बेस्ड ऑन दी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अब क्या होगा, ये पायलट स्टडी कराई जाएगी नवंबर से दिसंबर के बीच में ताकि ये समझा जा सके कि कैसे ये जो ओपन बुक एग्ज़ाम का पूरा कॉन्सेप्ट है इसे इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बच्चों को कितना टाइम दिया जाए एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए पायलट स्टडी की जाएगी ताकि टीचर्स और स्टूडेंट्स से फीडबैक लिया जा सके। इसके अलावा ये जो पायलट टेस्ट है इसे कौन डिज़ाइन करेगा, इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की हेल्प से जून तक जो है पूरा डिज़ाइन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा और उसके बाद कुछ सेलेक्टेड स्कूल्स के अंदर जो है इसे कंडक्ट कराया जाएगा। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो मैं ओपन बुक एग्ज़ाम के पूरे कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ ये एक्चुअली में है क्या, इसमें होता क्या है। तो अब हम ये समझ लेते हैं दैट व्हाट इज ओपन बुक एग्ज़ाम। तो इस तरीके के एग्ज़ाम्स में क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है जो स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे हैं उन्हें अलाउ किया जाता है कि वो अपने साथ कुछ बुक्स या फिर जो नोट्स हैं वो ला सकते हैं, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं ताकि जो क्वेश्चन उनसे पूछा है उसका वो आंसर दे सकें। अब ये जो ओपन बुक एग्ज़ाम्स होते हैं ये भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि एक होता है रेस्ट्रिक्टेड टाइप और एक होता है फ्री टाइप। अब जो रिस्ट्रिक्टेड ओपन बुक असेसमेंट होता है उसके अंदर सिर्फ वही स्टडी मटेरियल अलाउ होता है जिसे एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी ने अप्रूव किया है, यानी आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ला सकते हो, जो भी एग्ज़ाम कंडक्टेड अथॉरिटी है उसने जो भी अप्रूव किया है कि ठीक है आप ये मटेरियल ले आइए, सिर्फ वही एग्ज़ाम के अंदर ले जाया जा सकता है, इसके अलावा और कुछ भी अलाउड नहीं होगा। लेकिन जो फ्री टाइप है उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे हैं वो किसी भी तरीके का मटेरियल जो है अपने साथ ला सकते हैं, जो भी उन्हें लगता है कि ये रेलेवेंट है उनके एग्ज़ाम से तो वो उस मटेरियल को अपने साथ ला सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन ओपन बुक एग्ज़ाम्स के अंदर देखी गई है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होते हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से कि वो कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। तो ये नहीं है कि सिर्फ एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ दिस और उसका दिस का जो है उन्होंने पूरा आंसर दे दिया कि इसका मतलब क्या है। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन को कॉपी नहीं करना है फ्रॉम द अवेलेबल मटेरियल, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगी, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या होगी वो एक्सपेक्ट किया जाता है इन ओपन बुक एग्जाम से। तो इस पूरे एग्जाम का जो मेन एम होता है वो यही होता है कि वो टेस्ट कर सके कि स्टूडेंट को जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया है या नहीं, जो बिगर पिक्चर है वो समझ में आई है या नहीं, क्या वो उस कॉन्सेप्ट को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। सो वी कैन से कि गवर्नमेंट का जो मेन एम है वो यही है कि बच्चे इस समय जो रट रहे हैं, जो मग रहे हैं बिना सोचे समझे कि वो क्या रट रहे हैं, वो ये काम ना करें बल्कि उस कॉन्सेप्ट को समझे कि क्या कॉन्सेप्ट है। सिर्फ याद करना ही पर्पस नहीं होना चाहिए, उन्हें वो चीज़ समझ में आनी चाहिए और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट अब ये चाहती है कि वो जो है इस पूरा ओपन बुक एग्ज़ाम को जो है इंट्रोड्यूस करें। गवर्नमेंट क्या मतलब CBSE जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो इसको प्रपोज कर रहे हैं। बट क्या ये प्रपोजल पहली बार दिया है, क्या इंडिया में बच्चों ने कभी भी ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं दिया है?
नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये पहले भी इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन कुछ वजहों से, कुछ रीजंस की वजह से जो है उसे ख़त्म करना पड़ा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार आया था 2014 के अंदर, जब CBSE ने इंट्रोड्यूस किया था एक ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये इसलिए लाया गया था ताकि वो रिलीव कर सकें बच्चों को फ्रॉम द बर्डन ऑफ मगिंग अप एंड एक्वायरिंग स्किल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। उस टाइम पर ये जो ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट है इसे क्लास 9 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था फॉर सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। और जो दूसरी क्लास थी जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था वो थी क्लास 11। तो उसका जो फाइनल एग्जाम होता था उसमें भी ये ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट होता था इन सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी। तो इस पूरे ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट में क्या होता था, जो स्टूडेंट्स थे उन्हें अलाउ किया जाता था कि वो रेफर कर सकते हैं लर्निंग मटेरियल जो कि उन्हें प्रोवाइड किया जाता था 4 months अहेड ऑफ द एग्ज़ाम, यानी उनके एग्ज़ाम से 4 महीने पहले जो है उन्हें एक मटेरियल जो है लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता था, और फिर उसी के बेसिस पर जो है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उन्हें अलाउ किया जाता था कि वो मटेरियल जो है अपने साथ एग्ज़ाम में ला सकते हैं और उसे रेफ़र करके आंसर्स लिख सकते हैं। लेकिन 2017 के अंदर इस प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और इसका रीज़न ये था कि वो बच्चों के अंदर जो क्रिटिकल एबिलिटी है वो कल्टिवेट नहीं कर पा रहा था, तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ही पूरा नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से जो है बोर्ड ने क्या डिसाइड किया कि इस प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। तो स्कूल्स के अंदर ये जो प्रैक्टिस है इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लेकिन अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो वहाँ पर इस तरीके के जो ओपन बुक एग्ज़ाम्स हैं वो काफ़ी कॉमन है। इनफैक्ट 2019 के अंदर जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है उन्होंने अलाउ किया था ओपन बुक एग्ज़ाम्स को इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन एडवाइजरी बॉडी। इसके अलावा पेंडेमिक के दौरान, COVID-19 के दौरान, जब जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो बंद थी, वहाँ पर बच्चे जो है फिज़िकली नहीं जा पा रहे थे, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सभी ने जो है ओपन बुक टेस्ट को ऑप्ट किया था ताकि वो स्टूडेंट को असेस कर सकें। और यही नहीं, IIT दिल्ली, IIT इंदौर, IIT बॉम्बे, इन सभी ने भी ओपन बुक एग्ज़ाम्स जो है कंडक्ट किए थे ऑनलाइन। सो वी कैन सी कि जो ओपन बुक एग्ज़ाम का पूरा कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए एकदम नया नहीं है, पहले भी जो गवर्नमेंट है, जो बोर्ड है, इसे लागू कर चुका है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, कॉलेजेस ने भी इसे लागू किया है। इनफैक्ट अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है ये ओपन बुक एग्ज़ाम देखने को मिलता है, जैसे कि UK, US, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ओपन बुक एग्ज़ाम का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो होता है। बट आई वॉज वंडरिंग कि क्या ओपन बुक एग्ज़ाम ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू आर ट्रेडिशनल एग्ज़ाम, क्योंकि कुछ भी कहो, एग्ज़ाम देने से पहले अगर आपको पता है कि आपके साथ आपकी बुक्स जा रही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हम उन्हीं बुक्स से पढ़ रहे होते हैं, अपने नोट्स पढ़ रहे होते हैं, और अगर आपको अलाउ कर दिया जाए कि ठीक है आप अपनी बुक्स एग्ज़ाम के अंदर ले जाएँ, तो ऑब्वियसली यू विल फील रिलीव्ड कि आपके साथ आपका पूरा स्टडी मटीरियल जा रहा है। तो ऐसा तो लग रहा है कि ईजी होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ओपन बुक एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी क्रिटिकल एबिलिटी को जो है जज करते हैं। इनफैक्ट टीचर्स के लिए भी ओपन बुक एग्ज़ाम का पेपर सेट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू दी ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स, क्योंकि ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी डायरेक्ट होते हैं, लेकिन जब हम ओपन बुक एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो वो उस बच्चे ने उससे क्या समझा है, क्या इंटरप्रेट किया है, वो पूछा जाता है। तो इसीलिए ओपन बुक एग्ज़ाम्स किसी भी तरीके से ईजी नहीं होते, इनफैक्ट डिफ़िकल्टी माने जाते हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि पेपर और ईजी होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, रटने का जो कॉन्सेप्ट है वो कम हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, बट जो समझने वाला पोर्शन है वो और बढ़ जाएगा। अभी तक जो बिना सोचे समझे, बिना ढंग से समझे जो है रटा जा रहा था, वो अब ख़त्म हो सकता है। बट यू मस्ट बी थिंकिंग कि अब क्यों, अभी क्यों CBSE को वापस से इसे लेकर आना है, पहले खुद ही ने बंद कर दिया जब उससे सेटिस्फाइड नहीं थे 2017 के अंदर, तो अब क्या हो गया, अब कैसे वो चेंज करेंगे। तो इसका रीज़न जो CBSE ने दिया वो ये है कि CBSE का ये जो प्रपोजल है इट फॉल्स इन लाइन विद द लार्जर रिफॉर्म्स जो कि उन्होंने प्लान किए हैं इन द स्कूल एजुकेशन सिस्टम। दो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 के अंदर, उसके अंदर कहीं भी ओपन बुक एग्ज़ाम का जो है जिक्र नहीं किया गया था,
लेकिन जो उनका प्राइमरी रिफॉर्म है वो सजेस्ट करता है ट्रांजिशन फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उससे सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को रटना ही नहीं है बल्कि उसे समझना भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसे सिर्फ याद ही नहीं करना है बल्कि इसे समझना भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसे डिमॉन्स्ट्रेट भी करना है कि कैसे जो है सनलाइट का इम्पैक्ट प्लांट्स पे पड़ता है थ्रू अ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। तो इससे क्या होगा, बच्चों को ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट वो सिर्फ याद नहीं करेंगे बल्कि ढंग से समझ पाएंगे, क्योंकि जो करंट असेसमेंट प्रोसेस है उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग दिखाई देती है कि बच्चा बस चीज़ों को याद करता है और लिखाता है। कितना समझ में आया है और कितना नहीं वो कभी पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ज़्यादातर जो है वो कहीं ना कहीं से बन जाते हैं, घर पे कोई हेल्प करता है। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि अगर प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है तो वो प्रोजेक्ट स्कूल में बनवाने चाहिए, ना कि घर में, क्योंकि घर में वो प्रोजेक्ट बच्चों से ज़्यादा, जो छोटे बच्चे हैं उनसे ज़्यादा पेरेंट्स का हो जाता है और बच्चों को इतना समझ में नहीं आ पाता। तो ये स्कूल के अंदर उन्हें सिखाना चाहिए, वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए कि कैसे हो रहा है, क्या पूरा प्रोजेक्ट है। सिर्फ एक हॉलीडे होमवर्क देने से भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा, और शायद यही रीज़न था कि क्यों जो पहले 2017 के अंदर जो पॉलिसी थी, जो ये लाया गया था कॉन्सेप्ट, उसे वापस लेना पड़ा। इसीलिए ये जो ओपन बुक एग्ज़ाम का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसका प्रपोजल तो अच्छा है, थॉट भी अच्छा है, मगर इम्प्लीमेंटेशन इतना ईजी नहीं है, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टूडेंट से नहीं टीचर से स्टार्ट होगा। टीचर्स को सबसे पहले समझना होगा कि कैसे वो पेपर सेट करें, कैसे वो जब स्कूल चल रहा है, जब पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों की जो एनालिटिकल कैपेबिलिटी है उसे डेवलप करें, उसका कॉन्सेप्ट समझाएं उन्हें, तभी वो ओपन बुक एग्ज़ाम में जब उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके आंसर ढंग से लिख पाएंगे। वरना क्या होगा, क्वेश्चन पूछेंगे और वो एज इट इज़ आंसर जो है मटीरियल से देख के लिख लेंगे, बट पर्पज़ ये है ही नहीं, पर्पज़ उन्हें समझाना है, रटना नहीं है। दो, बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं जहाँ पर ये कहा गया है कि जो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादा स्ट्रेस फ्री होता है, बट उसके लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए वो टीचर्स को डेवलप करनी पड़ेगी स्टूडेंट में, और क्योंकि अभी हमारे टीचर्स ही उसके लिए रेडी नहीं है, तो सबसे पहले टीचर्स की ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है फॉर इनकॉर्पोरेटिंग दिस ओपन बुक एग्ज़ाम। सो देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, अभी प्रपोजल आया है, उस पर पायलट स्टडी होगी, फीडबैक लिया जाएगा टीचर्स से, स्टूडेंट से, सो बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन ये जो प्रपोजल है वो बहुत अच्छा है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना ईजी नहीं है। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो बोर्ड है, जो गवर्नमेंट है, उन्हें काफ़ी वर्क करना पड़ेगा, टीचर्स पर भी और स्टूडेंट्स पर भी। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये ओपन बुक एग्ज़ाम्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कैसे उसको जो है इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। तो अब हम उन दोनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट दी मेरिट्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन, कि क्या फ़ायदे हैं इसके। तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि ये प्रमोट करता है डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या करेगा, बच्चों को एनकरेज करेगा कि वो फोकस करें ऑन अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट, कि कैसे उन्हें कोई एक कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया है और अब वो उसे किसी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है उसे जो है अप्लाई कर सकें, इंस्टेड ऑफ जस्ट रोट मेमोराइजेशन कि भाई वो जो डेफिनेशन है वो रट लो। अब आज के ज़माने में हमें कुछ रटने की ज़रूरत है नहीं, सबके पास फ़ोन है, गूगल है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक एक वर्ड जो है रटा हुआ होना चाहिए, बल्कि ज़रूरी ये है कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, वो पूरा समझ में आए। इसके अलावा ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है ये बच्चों की जो टेस्ट एंजाइटी होती है वो कम करेगा, क्योंकि अब बच्चों को हर एक वर्ड जो है याद नहीं होना चाहिए, हर एक डिटेल याद नहीं होनी चाहिए, तो ये जो है उनका स्ट्रेस कम कर देगा, क्योंकि कई बार बच्चा बहुत सारी चीज़ें याद करके गया होता है लेकिन एग्ज़ाम में कोई वर्ड भूल गया, कुछ भूल गया, तो उसकी उसे एंजाइटी लेने की ज़रूरत नहीं कि अरे याद नहीं आ रहा। तो एक एक वर्ड, एक एक वो डिटेल पे ध्यान ना देके वो कॉन्सेप्ट को समझेगा, तो उससे उसकी जो एंजाइटी है वो कम होगी, और एनकरेजमेंट मिलेगा क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को, कि उनकी जो अप्रोच है वो क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि कैसे जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व की जाए, इंस्टेड ऑफ जस्ट लर्निंग, जस्ट मगिंग अप। क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशन सब ऐसे हैं जहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, जो थ्योरी है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन क्या करना है, अब उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखनी है, तो उसमें क्या होगा, ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा ये हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को इन लर्निंग कि कैसे जो इन्फॉर्मेशन है
वो कम से कम टाइम में जो है रिट्रीव कर पाएँ, उन्हें एवेल्युएट कर पाएँ और लिख पाएँ। तो इससे क्या होगा, वो जल्दी काम करना सीखेंगे, क्योंकि जब आप काम करने जाते हो, अब हर जगह कंप्यूटर है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है गूगल की वजह से, तो जो चीज़ सीखनी है वो ये है कि कितनी जल्द से जल्द आप इन्फॉर्मेशन को जो है उसे रिट्रीव कर पाते हो, वो सीखना वो समझना बहुत ज़रूरी है कि कितनी जल्दी निकाल पाते हो, उसे समझते हो, इवेलुएट करते हो और उसे अप्लाई कर पाते हो। तो ये क्या करेगा, ये एनकरेज करेगा एक्टिव लर्निंग को, क्योंकि अब बच्चा क्या करेगा, उसका ध्यान सिर्फ रटने पर नहीं होगा बल्कि उस कॉन्सेप्ट को समझेगा बियॉन्ड मेमोराइजेशन। दो, ये जो मेमोराइजेशन है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको हमेशा मिलेगी, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बट नॉट टू दैट लेवल कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया सिर्फ रट लिया है, या फिर पॉइंट टू पॉइंट जो है चीज़ें याद रहनी चाहिए, तो वो कई बार जो है बच्चों को एंजाइटी में डाल देता है। इसकी वजह, अगर वो चीज़ को अच्छे से समझेंगे या जानते हुए कि हाँ हमारे साथ स्टडी मटेरियल जा रहा है, हमें सिर्फ इस बात को समझना है, एक बार उन्होंने समझ लिया तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो मेमोराइजेशन ज़रूरी है बट नॉट टू दैट एक्सटेंट जो कि आजकल चलता है कि एकदम हर चीज़ याद होनी चाहिए, तो वो चीज़ जो है वो कम हो जाएगी। तो ये तो थी मेरिट्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशंस। अब कुछ डीमेरिट्स भी हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि देर इज़ अ पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल फॉर चीटिंग, क्योंकि जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है, तो उसकी वजह से जो है रिस्क इंक्रीज हो जाती है ऑफ कॉपिंग और प्लेजरिज्म इफ़ प्रॉपर सेफगार्ड्स आरेंट इम्प्लीमेंटेड, बिकॉज अब AI की वजह से, चैट GPT की वजह से जो इन्फॉर्मेशन है, जो एनालिसिस है वो भी अवेलेबल है, तो बच्चा जो है चीटिंग कर तो नहीं रहा है, ये सब चीज़ें जो है देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है वो है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि स्टूडेंट जो है ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है सर्चिंग में डाल रहे हैं, कि भाई कोई क्वेश्चन आया उसके ऊपर बहुत सर्च कर रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है सर्च कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो उसे डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है उसे रिट्रीव करने में लगे रहेंगे। थर्ड इशू इज़ दी अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो वो बच्चे जो कि बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हैं, जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे कि बुक्स के, इंटरनेट के, कि भाई उनके पास नहीं है, तो उस केस में वो जो है पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इंटरनेट नहीं है, या फिर हर समय इंटरनेट नहीं है, उतनी किताबें नहीं हैं, उतनी रेफरेंस बुक्स नहीं हैं, तो उस केस में वो शायद पीछे रह सकते हैं जब ये ओपन बुक एग्ज़ाम हो रहा है, कि भाई जिस बच्चे के पास ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा मटीरियल है, और जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो डिसएडवांटेज पर रहेगा। देन दी अदर प्रॉब्लम इज़ डिज़ाइनिंग अ क्वेश्चन पेपर। तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा जो है क्रिटिकल एनालिसिस करे, तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर भी वैसा डिज़ाइन किया जाएगा, और ये जो पेपर है वो सेम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता कि जो पिछले साल आया था या 5 साल पहले आया था वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। तो ये टीचर के पार्ट पे भी जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, कि उसे हर बार जो है नए क्वेश्चंस जो है बनाने पड़ेंगे, जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच के हों, जिन्हें कॉपी ना किया जा सके, जो कहीं से लिया ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली फिर उसका आंसर बच्चे को ईजिली मिल जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर का जो डिज़ाइनिंग है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो इसलिए टीचर की ट्रेनिंग, अगेन आई एम सेइंग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस केस के अंदर, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तभी वो बच्चा जो है ओपन एक बुक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाएगा। देन द लास्ट प्रॉब्लम इज़ कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस की बात है, सब सही है, लेकिन क्या ये हर सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल होगा, हर सब्जेक्ट इसके अंदर जो है फॉल नहीं करेगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट लर्निंग है। फॉर एग्जांपल अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में कौन से ईयर में क्या हुआ था, काफ़ी चीज़ें फैक्चुअल हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्रिटिकली एनालिसिस कर सकते हैं, बट नॉट टू डेथ एक्सटेंट कि भाई जैसे कि साइंस में है कि भाई किसी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि फैक्चुअल होते हैं, जिन पे आप कुछ जो है चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे मैथ्स भी फॉर एग्जांपल अगर हम लें, तो कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं, तो अब उस पर क्या क्रिटिकल एनालिसिस होगा वो मुश्किल है। तो इसलिए इस तरीके के सब्जेक्ट्स में जो पेपर सेटिंग है वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाती है। एंड नाउ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ कि कैसे ये जो ओपन बुक एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट है, ये जो पॉलिसी लाई जा रही है, इसे इम्प्लीमेंट करना। अब इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो एजुकेशन है ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 तरीके की लिस्ट हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट और एक है यूनियन लिस्ट।
तो जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं यानी उसके अंदर जो भी चीज़ें गिवन है उससे रिलेटेड लॉ बनाने की पावर, पॉलिसी बनाने की पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है तो जो हमारा एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अब इसमें क्या होता है, स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर होती है कि वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है लॉ बना सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं। तो अब अगर हम बोर्ड की बात करें इंडिया के अंदर तो ऐसा तो है नहीं कि एक बोर्ड है। CBSE तो है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है यानी सेंट्रल लेवल का है। इसके अलावा हर स्टेट का जो है अपना बोर्ड है, तो वो कौन हैंडल करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। प्लस देयर इज़ एन इंटरनेशनल बोर्ड ऑल्सो जो IB बोर्ड होता है। तो इस तरीके से इंडिया में काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं। अब अगर ये ओपन बुक एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट आता है तो वो किस पे लागू होगा, अगर वो सब पे लागू करना चाहते हैं तो पहले तो क्या होगा, फिर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को अग्री करना पड़ेगा कि ठीक है हम इस पॉलिसी को, हम इस कॉन्सेप्ट को अपने उस पे लागू करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और सिर्फ CBSE के स्कूल्स में लागू होता है तो वो सिर्फ कुछ ही स्कूल्स में, सिलेक्टेड स्कूल्स में रहेगा और जो स्टेट बोर्ड के स्कूल्स हैं, जो IB हैं, वो सब रह जाएंगे। तो इसीलिए इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इतना इजी नहीं है सब जगह। या तो फिर सिर्फ CBSE वालों को कर देंगे तो बाकी बच्चे रह जाएंगे, वो ओपन बुक एग्ज़ाम्स दे ही नहीं पा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट से जो है रह जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा। फिर आगे जाके जब वो कॉलेज में जाएंगे जहाँ पर धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है तो बच्चे को पता ही नहीं होगा कि भाई ये क्या होता है। फिर वहाँ पर अगेन देयर विल बी अ डिफरेंस, जो बच्चा CBSE से आ रहा है उसे पता है, जो स्टेट बोर्ड से आ रहा है उसे पता ही नहीं है। तो ये कैसे लागू होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, वो एक चैलेंज है। और अगर हम मान लें कि ठीक है जो गवर्नमेंट्स है वो मान गई है, CBSE भी इसे इम्प्लीमेंट करने वाली है, तो अब क्या होता है, हर एजुकेशन बोर्ड यानी जैसे CBSE और जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके अपने खुद के रेगुलेशंस होते हैं जो कि गवर्न करते हैं द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कि भाई एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, उसके उनके सबके अपने अलग अलग रेगुलेशंस हैं। तो ये जो सारे रेगुलेशंस हैं ये बताते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का फॉर्मेट कैसा होगा, इवेल्यूएशन प्रोसीजर क्या होगा। तो हर स्टेट बोर्ड का, CBSE का जो है सबका अलग है, उनका अलग सब क्राइटेरिया है। तो अगर ये ओपन बुक एग्ज़ाम को इम्प्लीमेंट करना है तो इन सभी में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। तो जो भी एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं इनमें अमेंडमेंट्स किए जाएंगे ताकि जो भी रिक्वायरमेंट है इस ओपन बुक एग्ज़ाम की उसे अकोमोडेट किया जा सके, जैसे कि परमिसिबल रिसोर्सेज, क्वेश्चन डिज़ाइन एंड एवेल्यूएशन क्राइटेरिया। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्हें भी गाइडलाइंस फॉर्म करनी पड़ेंगी जहाँ पर वो बताएंगे कि कैसे ये जब सारे बोर्ड्स हैं वो अमेंडमेंट करें, चीज़ें लाएं ताकि जो ओपन बुक एग्ज़ाम का ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। सो ये मैंने आपको बताया कि ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं और इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ओपन बुक एग्जामिनेशन। आई होप this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.